अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जेबी टेक्नीशियंस। दोस्तों आज की वीडियो जो हमारी बन रही है वो सिंगल लाइन जनरेटर और सिंगल लाइन इलेक्ट्रिक मीटर के बारे में बना रहे हैं कि सिंगल लाइन में हम अपना चेंज ओवर कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में वीडियो बन रही है। उसी बात जो हम हमारे दोस्त नए दोस्त हैं जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का उनको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलो करते हैं शुरू वीडियो को। दोस्तों ये आप देख रहे हैं, ये हमारे पास सेफ्टी ब्रेकर है डबल पोल का, ठीक है। ये जनरेटर लाइन पे लगा हुआ है, इसके साथ हमारे पास सेफ्टी ब्रेकर है डबल पोल का जो कि इलेक्ट्रिक लाइन में लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास चेंज ओवर साइड अंपेयर का चेंज ओवर है, बड़ा फोर पोल का है लेकिन इसको हमने डबल लाइन के लिए इस्तेमाल किया है, वो मैं आपको तफसील से उसके बारे में सारा समझा दूँगा। इसके बाद आगे आए तो हमारा ये लोड का सेफ्टी ब्रेकर हमने लगाया हुआ है जो आपको हम टेस्लम से इसको चेक करके दिखाएंगे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आप ये देख रहे हैं डबल लाइन का सेफ्टी ब्रेकर लगा हुआ है, ठीक है। ये जनरेटर का है, इसके साथ में इलेक्ट्रिक का है, इसमें न्यूट्रल फेज आ रहा है, ठीक। इसके बाद ये न्यूट्रल फेज इसका जो आउट हो रहा है वो आप देख रहे हैं कि हमने चेंज ओवर के इस पॉइंट में लगाया हुआ है, ठीक है। इसके बाद इसका न्यूट्रल का वायर चेंज ओवर के इस पॉइंट में लगाया हुआ है, ठीक। दोस्तों ये मैं आपको बताना चाहूँगी जो फोर पोल का है, लेकिन अगर आप डबल पोल का चेंज ओवर लेंगे लगाएंगे तो उसमें उसके ये दो हिस्से ही होंगे, ये जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये वाले दो हिस्से होंगे, ठीक है। यानी कि ये जो टर्मिनल है जनरेटर लाइन के और इस तरफ के इलेक्ट्रिक लाइन के, ठीक है। तो मेरे पास ये सारा माल यानी कि स्टोर में पड़ा हुआ था, आप देख रहे हैं कि पुरानी हालत में, तो मैं इसी में आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आप ये समझे कि हमारे पास ये आधा हिस्सा जो है डबल पोल का, इसको आपने समझना है, ठीक है, जिसके अंदर वायरिंग की हुई है, ठीक। दोस्तों आपको मैंने बताया कि ये वायर जो इसका लगा हुआ है जनरेटर का फेज और जनरेटर का न्यूट्रल, इसके साथ हमारे ये रेड तार लगा हुआ है, ये हमारा लोड का है, इसके साथ जो ठीक है ब्लैक तार लगा हुआ है ये लोड का न्यूट्रल है। लोड के पॉइंट को आपने समझना है कि इनमें से लोड का पॉइंट कौन सा है, तो इसके बारे में ख़ास बता दूं आपको इसकी निशानी कि लोड के जो टर्मिनल है ये वाला टर्मिनल, उसके साथ एक राड लगा होता है, कॉपर का राड होगा या कॉपर की पट्टी होगी, ठीक है। सेम इसी तरह आगे आएंगे तो ये जो न्यूट्रल का टर्मिनल है उसमें भी ये राड लगा हुआ है, कॉपर का राड या इसकी जगह पर कॉपर की पट्टी होगी, ठीक है। और ये राड यहाँ से लेके दूसरे टर्मिनल जो के इलेक्ट्रिक लाइन की तरफ आ रहा है वहाँ तक लगा हुआ होगा, ठीक। इसके बाद मैं इलेक्ट्रिक के बारे में बता दूँ, ठीक है। ये आप देख रहे हैं कि उसका हमने सेफ्टी ब्रेकर लगा हुआ है इलेक्ट्रिक का, उससे आउटपुट आ रहा है, आउटपुट सीधा चेंज ओवर में आ रहा है, ठीक है। ये उसका टर्मिनल इलेक्ट्रिक फेज का, इसके साथ टर्मिनल इलेक्ट्रिक न्यूट्रल का, ठीक है। अब ये देख रहे हैं कि ये जो कॉपर राड वाला ये लोड का टर्मिनल है उसकी दूसरी साइड में हमने वायरिंग लोड की लगाई हुई है, ठीक है। तो इस तरफ लगाने की उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आप ये इसकी पट्टियाँ देख रहे हैं, ठीक है। ये पट्टी है, ये पट्टी है, ये आप देख रहे हैं कि ये पट्टी का यू बना हुआ है, ठीक है। जब हम इसको इलेक्ट्रिक की साइड में करेंगे, ठीक है,
तो ये यहाँ से फेज़ लेगा और घुमा के लोड की तार को दे देगा, ठीक है। न्यूट्रल भी सेम यही काम करेगा, यहाँ से ये पट्टी लेगी न्यूट्रल और इसको घुमा के लोड के तार में इसको करंट दे देगी। जब हम इसको इलेक्ट्रिक की लाइन में लेंगे तो सेम इसका वही वर्क वही काम करेगी, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन लेगी और घुमा के ये जो हमारा लोड का टर्मिनल है इस पे आएगा और यहाँ से ये कॉपर के राड के थ्रू होते होते ये सीधा अपना लोड की तार पे चला जाएगा। तो पहले मैं जनरेटर का ब्रेकर ऑन करता हूँ, उसको मैंने ऑन किया, ठीक है। ठीक है, इसकी लाइन आ गई, ठीक है। तो ये लाइन इसकी यहाँ पे पहुँच गई, ठीक है। आप देख रहे होंगे इसके हैंडल को हम इसकी साइड में करेंगे चेंज ओवर को, ठीक है। ये चेंज ओवर हमने इसका जनरेटर की साइड पे इसको हमने ऑन कर दिया, ठीक। इसके बाद हम लोड का जो सेफ्टी ब्रेकर है जो कि हमारे डिस्ट्रीब्यूशन है घर का, घर में जो लाइन जा रही है उसको हमने ऑन किया। तो आप देखेंगे कि ये हमारा बल्ब जो है ऑन हो गया, ठीक है। इसके बाद हम इलेक्ट्रिक लाइन को ऑन किया हमने, ठीक है। चेंज ओवर को इलेक्ट्रिक लाइन की तरफ हमने ऑन कर दिया, ठीक है। इसको चेंज ओवर को हमने इलेक्ट्रिक लाइन की तरफ ऑन कर दिया। तो अभी हम इसका जो लोड का ब्रेकर है डिस्ट्रीब्यूशन का उसको चेक करेंगे, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक लाइन भी हमारी ऑन है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो की समझ आई होगी, आपने सीखा होगा, ठीक है। दूसरा इसके बारे में आपने कुछ पूछना है तो हमें ज़रूर कमेंट्स करें ताकि हम आपको उसके बारे में बताएं। तो जो हिस्सा मैंने आपको समझाया कि डबल पोल को इसको आप समझो कि डबल पोल का ये चेंज ओवर है, ठीक है, क्योंकि हमने दो इसके जो डबल लाइन वाले टर्मिनल हैं उसको हमने इस्तेमाल किया है, ठीक है। उम्मीद है कि बिल्कुल आपको समझ आई होगी। तो दोस्तों हमें कमेंट्स करें, हमसे पूछें ताकि आने वाली वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएं। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं आने वाली वीडियो में।